शक्तिपीठ झांसी के सामने जो तालाब है उसे आंतिया तालाब कहते हैं, और लोकेशन के हिसाब से तो सामने जो रोड गई है वो सीधे झांसी रेलवे स्टेशन चली गई, चित्रा चौराहा चित्रा टाकीज होते हुए, और यही पहचान है आंतिया तालाब गायत्री शक्तिपीठ झांसी। इसमें वोटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग केवल शाम 7 बजे तक अलाउड है। लाइफ जैकेट पहने होने चाहिए आपने, बिना लाइफ जैकेट की कोई वोटिंग नहीं। बरगद की जड़ें जिस तरह से अक्षय भट्ट के पास गंगा यमुना से छूती हुई हैं, उसी तरह से यहाँ भी देखिए, बट बहुत पुराना होगा लेकिन काफ़ी गंदगी है, उतनी सफाई नहीं है इसमें। बहुत बड़ा है तालाब वैसे देखा जाए, लोग अपना मछलियों को दाना भी खिलाते हैं, जो कि एक उपाय के तौर पे होता है बुद्ध को सही करने के लिए, बुद्ध के जो दोष हैं उनको कम करने के लिए। जय गुरुदेव, जय बाबा। जड़ों के जो सिरे हैं ये पिंकिस, इसी का इस्तेमाल वैद्य लोग बताते हैं, इसके एक उंगली के बराबर 10 कोपल ले लीजिए, और उसको फिटकरी काली मिर्च के बराबर के दाने के साथ कूट के अगर पीते हैं तो डायबिटीज़ देखा गया है, एक वकील साहब थे उनकी डायबिटीज़ का स्तर बिल्कुल सही हो गया, और उनकी दवाइयां जो पिछले 25-30 साल से चल रही थी बिल्कुल बंद हो गई। यही कोपल हैं, देखिए ये छोटी इन्हीं को खाना है पीस के। गायत्री शक्तिपीठ झांसी से निकल के हनुमान जी का मंदिर जो कि बाईं तरफ जाके है, चौराहे पे, और बहुत ही विशाल मूर्ति है उनकी, वो वहाँ जा रहा हूँ दर्शन करने। अंदर से देखिए कितने कबूतर बैठे हैं, बत्तख बैठी हुई हैं बड़ी बड़ी।